हेलो, वेलकम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। तो भाई आज नई शुरुआत जो है हो चुकी है दिन की। आप एक बार देख लो भाई नज़ारा, ग्रीनरी। सुबह के 6 बज रहे हैं और भाई ये देख लो अपने दो जवान और जान लग रहे हैं, हाथ में झाड़ू लिए। तो भाई जैसा पता है भाई बारिश का मौसम हो रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही, यही चल रहा है भाई यहाँ पे। तो क्यों विकास, विकास है हरियाणा पुलिस के फिजिकल चल रहे हैं। अरे बालका पे जो है फिजिकल हो नहीं पा रहा है भाई, फिजिकल क्यों नहीं हो रहा? हाँ, बच्चों को समय कम मिला भाई, इस करके बच्चे तैयारी कम कर की उन्होंने। अच्छा अच्छा, इस करके बच्चों को फिजिकल में थोड़ी दिक्कत आ रही है भाई। इसकी बात भी सही है, पता है क्या, क्योंकि पता नहीं था ऐसे एकदम से फिजिकल की हरियाणा पुलिस के फिजिकली डेट आ गई, उसकी वजह से भी बच्चे आए बहुत से रह जाएंगे, क्योंकि इतने दिन भाई ये एट ए टाइम तैयारी करना ये तो है नहीं भाई। बच्चों का खेल है भाई, भाग लिए भाई, उसके लिए स्टेमिना बढ़ाना पड़ता है और तैयारी करनी पड़ती है अच्छे से, जब ही जाके जो है भाई फिजिकल क्लियर होता है। क्योंकि यार बहुत से पड़ाव हैं, पीएमटी क्लियर करना है, फिजिकल क्लियर करना है, उसके बाद जो है रिटर्न क्लियर करना है, फिर जाके दोस्तों मेडिकल भी क्लियर करना है। मेडिकल क्लियर करने के बाद जो है आपको बेल्ट नंबर दिया जाएगा और जब जाके आपकी जो है ज्वाइनिंग होगी। तो फिलहाल भाई हम आ चुके हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए सुबह सुबह, क्योंकि अभी हमारी जो है हाजिरी है। ये भाई आप भी चाय पी सकते हो हमारे कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स HAP। ले भाई तो कुछ कहना चाहे, बढ़िया सी चाय पिला दे। बस भाई आज ये लेट हो रहा है ना आज। अरे संडे लेट। अच्छा, संडे के कारण भाई थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो भाई देख सकते हो आप, यहाँ आपको भी यही आना पड़ेगा, कितना बढ़िया भाई मौसम है एकेडमी का, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी जो है ना, हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी, पेड़ पौधे, ऐसा एटमोसफेयर है भाई, ऐसा एटमोसफेयर देखने को मिले नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी। तो भाई अब फिजिकल जो है क्लियर हो जाए, इसी महीने जो आपका टेस्ट होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो जितने भी भाई बहन हैं लगे हुए हैं तो वो टेस्ट की तैयारी पे पूरा जोर दें, टेस्ट पे भाई मेरिट ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि अब की बार कम बच्चे जो है बुलाए हैं, कंपटीशन ज़्यादा है और कंपटीशन। हाँ भाई, विकास भाई साहब, विकास रामायण से आपको मिलवा देते हैं, अपने खास हैं। देखो भाई चाय पीने के लिए आ चुके हैं भाई जवान। हाँ भाई, जिस भाई का फिजिकल क्लियर हो जावा है तो वो बहुत बढ़िया है भाई, मेहनत करिए और जल्द ही आपको, मतलब आपका सपना है जो गवर्नमेंट जॉब लगने का है तो वो साकार हो सकता है, क्योंकि बहुत सबसे जल्दी और फास्ट ये भर्ती होने वाली है। ठीक है, आज तक के इतिहास में कोई भर्ती नहीं होगी, लेकिन इसको जल्द ही आपको ये देखने को मिलेगी कि भाई आप हरियाणा पुलिस के जवान बन गए हैं भाई। सही करो भाई, बढ़िया, बेस्ट विशेज हमारी तरफ से आपकी, आपको और भाई, लगे रहो भाई। ये सही कह रहा है, क्योंकि एकदम से भाई भर्ती का प्रोसीजर आया, PMT आ गया, PST आ गया, रिटर्न भी हो जाएगा और फिर एकदम से तुरंत आपको जो है बेल्ट नंबर दे दिए जाएंगे। तो ये भर्ती बहुत किस्मत वालों के लिए आई है भाई, क्योंकि कम समय में इतना जल्दी प्रोसीजर कभी भी नहीं हुआ जितना अब चलने लग रहा है, तुरंत PMT PST रिटर्न। क्यों भाई विकास? हाँ, रिटर्न की डेट भी आ गई अभी, अब तो आने वाली होगी। रिटर्न की तो नहीं आई, बाकी अभी PST चल रहे हैं, उसके बाद आ जाएगी आपकी। ये आपको क्या पता आपका रिटर्न लेके इसी महीने जो है आपका मेडिकल करा के आपको बेल्ट नंबर दे दिए जाएं। तो सभी अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें लाइब्रेरी में पूरा, जिसका PST रह रहा है वो अपने, अब तो टाइम बहुत कम है, अपना रनिंग करो एक टाइम, यानी आप सुबह शाम दौड़ते रहो। बाकी जिनको लगता है ना हमारा PST हो जाएगा तो वो भाई अच्छे से मेहनत करो टेस्ट के लिए, और हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेज है। और भाई विक्की व्लॉग अपना राहुल मित्र है, राहुल आसिफ व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और भाई थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, इतना ही भाई, अपने टेस्ट पे फोकस करो सभी जो है, क्योंकि PST का तो पता चल जाता है बंदे ने कैसे आपने रनिंग की, वहाँ पता चल जाता है। अगर आप रेगुलर भागते रहे तो क्लियर हो जाएगा, अगर आप रुक गए हो
तो आपको पता है भाई क्लियर नहीं होगा। जिसका क्लियर नहीं होता पीएचडी, वो अपना आगे तैयारी करे रिटर्न की, बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी है, सिविल में चला जाए, बेल्ट की नौकरी में। तो भाई देखो आपको दौड़ना पड़ेगा, फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, फिजिकल में नहीं बाद में भी दौड़ना पड़ेगा। मेहनत करनी पड़ेगी भाई, फिजिकली फिट तो रहना पड़ेगा। देखो पूरी जॉब में आपने मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ पूरी जॉब में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और तो आपको स्ट्रोंग होना पड़ेगा शरीर से। तो आप अच्छे से अपने तैयारी करें और आप जल्द से जल्द नौकरी जो है आपको मिले, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू।